देखिए ब्लीचिंग पाउडर है आपको सबसे पहले ना इनकी ना जैसे मैं यहीं पे पूरा लिख दे रही हूँ, नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला पूछ लेता है तो केमिकल फार्मूला है CaOCl2, जो मैं लिख रही हूँ यही लर्न करना है। तो इसका जनरल नेम है ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम दिख ही रहा है हमको, ओ से ऑक्सी OXY क्लोराइड। इसमें स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, जैसे अगर CLORIDE लिखोगे कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल नेम हो गया, इसका पूछ लेता है केमिकल नेम बताओ। फिर ये बताया था आपको कि एक्वस सोडियम क्लोराइड, कल बताया था NaCl के सॉल्यूशन को क्या कहते थे? ब्राइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर ये दिखाया है इसकी बनाने की जो रिएक्शन आएगी, ये कुछ थ्योरी नहीं याद करनी हमें, कि वैन CaOH2 का नाम होता है या तो स्लेक्ड लाइम कहते हैं इसको एग्जाम में, या तो वो कहेगा स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, ऐसा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड CaO है क्विक लाइम। क्विक लाइम में ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी छुपी होती है। जब आप CaO को वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो बन जाता है CaOH2+ हीट, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो ये जो चूना, ये भी चूना है हिंदी में, क्विक लाइम का ही मतलब, केवल लाइम भी कहता है। और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम, व्हेन वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इफ वी पुट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इट विल नेवर रिलीज द एनर्जी। इसीलिए इसको स्लेक लाइम का मतलब है बुझा हुआ चूना, बुझे का मतलब जिसमें से एनर्जी बाहर निकल गई है। जैसे आप पान खाते हैं, अगर कभी शादी ब्याह में जाते हैं सब देखते हैं तो वाइट कलर का उस पर लगा रहा होता है, तो वो स्लेक लाइम होता है। आपने देखा होगा कभी सूखा नहीं लगाएगा, अगर सूखा लगाएगा तो मुंह में खाते ही ना मुंह पूरा जल के अंदर से बर्बाद हो जाएगा, तो वो पानी में डाल देते हैं। जैसे जिनको कैल्शियम की कमी होती है तो अगर वो एक इतना सा बस एक पिंच चूना डेली अगर पानी में डाल दें और फिर उस पानी को पी लें तो वो बहुत सही रहते हैं। हालांकि मैंने भी कभी नहीं पिया, मैं कभी नहीं कहूँगी आपसे, पर लोग पीते हैं। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक डैम का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें रिएक्शन मेनली लर्न करनी है, लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्लोरीन पास करेंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। CaOCl2 भी ऊपर बता चुकी हूँ ब्लीचिंग पाउडर है और वाटर निकलता है। तो ये कोई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं आता। यह आता है कि एक सब्सटेंस है जो ऑब्जेक्ट्स को ब्लीच करने के काम में आता है, या फिर आपने क्या करा स्लेक लाइम में क्लोरीन पास की क्या बनेगा, इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। फिर ये यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, तो एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो सप्लाई द ऑक्सीजन, सप्लाई द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को सप्लाई करे दैट इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका काम होता है। और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स, मतलब डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट का मतलब पानी में डाल दो ब्लीचिंग पाउडर, फिर उस पानी को अगर हम पिए तो वह पानी के जर्म्स मर जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक सब्सटेंस है जो कि हम क्लोरीन की जगह उसको पानी में डाल के क्लीन कर सकते हैं, तो वो क्या है? दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, घुमा के आता है। और ये क्या करते हैं? कॉटन, लिनन, ये मोटे कपड़े होते हैं, और पेपर इंडस्ट्री, वुड पल्प, इन सबको ब्लीच करता है। ब्लीच मतलब इनमें से गंदगी का, जैसे अब कपड़ा रिसाइकिल करना है, पेपर रिसाइकिल करना है, तो जो हम लोग पेपर देते हैं वो लिखा हुआ पीला पेपर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको क्लीन कर लेता है। लेकिन सिल्क वगैरह के लिए ये यूज नहीं होगा, ये सब मोटे कपड़ों के लिए, मोटी चीज़ों के लिए, रफ चीज़ों के लिए यूज़ होगा, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। सेकेंड है बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ ऐसे एरो करके, इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कल भी बता चुके हैं उसमें भी था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। तो इसकी रिएक्शन ये याद करनी है तो टोटली रटने की है, NaCl+ water+CO2+ ये है अमोनिया, इसको डाल दिया तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये दिखाया है इसमें,
ये नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। नॉन कोरोसिव मतलब जो जलाए ना। बेसिक सॉल्ट तो कल बता चुके थे क्यों है, क्योंकि NaOH प्लस HCO3 से बना है। NaOH इज द स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो एग्जाम में ऐसे आ चुका है एक बार कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, तो आपको अगर जिसको पता नहीं होगा तो वो बैठा रहेगा। तो वो है बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा तो हम लोग खाते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव। हाँ, तो माइल्ड का मतलब हल्का, नॉन कोरोसिव होता है। माइल्ड मतलब हल्का लिख दिया, ऐसे नॉन कोरोसिव लिख के आया था एग्जाम में, यहाँ से माइल्ड लिखना कोई जरूरी नहीं है। अभी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो खाने का सोडा होता है, इसको हिंदी में खाने का सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा खाने का सोडा रहेगा? नहीं, एक ही चीज़ होती है हिंदी में, उसको खाने का सोडा बोलते हैं। जो आपकी लोग मम्मी मीठा सोडा भी बोलती होंगी, पकौड़े वकौड़ा बनाने में डाल देते हैं, उसको फूल जाता है। अभी बता रही हूँ, अभी बता दिया। NaHCO3, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस बनेगी, ठीक है। ये भी बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो ये सब कुछ बनता है। ये वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा है खाने वाला। ये वॉशिंग सोडा है केवल ये। लेकिन ये जो आप पहले यहाँ पे जितनी बात बता रही हूँ उसको सुनो। अब वॉशिंग सोडा का टॉपिक अगले पेज पे है, तो वो अगले पेज पे डिस्कस करेंगे हम। इसका ये है कि अगर आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गुनगुने पानी में डाल दिया, उसने कहा क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकता है, तो इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को। क्यों न्यूट्रलाइज करेगा? क्योंकि CO2 गैस निकली। कल मैंने बताया था CO2 क्या है, न्यूट्रलाइज करती है। तो जैसे किसी को एसिडिटी हो, कल बताया था मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और वो बेकिंग सोडा भी यूज कर सकता है। क्यों यूज कर सकता है? व्हेन CO2 इज रिलीज्ड इट विल न्यूट्रलाइज द एसिड। अब इसके यूजेस हैं, तो इसमें पहला तो ये है, ये तो यही है कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं या फिर पानी में मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होती है। पानी से वाटर एच प्लस, तो CO2 प्लस, मैंने बताया ना पानी में मिला के लेने से क्या होगा कि एसिडिटी शांत हो जाएगी। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं है, ये लिखा है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड, ये फ्लफी बनाती है। कल भी बताया था राइस लिखा हुआ है ना, राइस का मतलब क्या है? सॉफ्ट, और स्पंजी का मतलब क्या है? फ्लफी। तो ब्रेड वगैरह होती है ना, एक उसका फ्लफी टेस्ट होता है इस तरह से, जो स्पंजी होती है, CO2 की वजह से बनती है। बेकिंग सोडा हम क्यों डालते हैं? जब बेकिंग सोडा में पानी डालते हैं तो CO2 रिलीज होता है, CO2 मेक्स द केक फ्लफी। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये अल्कलाइन नेचर का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेसिक सॉल्ट है, बेस सारे अल्कलाइन नेचर के कहलाएंगे, और ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेसिव एसिड को। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं उसमें भी हम ये डालते हैं। क्यों डालते हैं? जैसे ही इसको दबाते हैं ना, गैस रिलीज होती है, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? CO2, एंड CO2 डू नॉट सपोर्ट्स बर्निंग। वो अलग चीज़ है, ये तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर तो कई तरह के होते हैं ना, सोडा एसिड जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भरा हुआ है, तो ये क्यों फायर एक्सटिंग्विश करते हैं? क्योंकि इसमें से CO2 निकलती है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर इस बुक में, और एक ही आता है इसका, मेक द पकौड़ाज क्रिस्पी। पकौड़ा बनाते समय उसमें डालते हैं तो ये पकौड़ा जो होते हैं क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है।